पहली बात तो रुको, मैं एक बात बोलना चाहता, कायदे से भाई लोग, कायदे से नहीं क्या बॉडीगार्ड लोग को, अपन इतना बड़ा शो कर रहे हैं भाई, नहीं क्या? ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई एमस्टा ने जो स्टोरी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे आफ्टर लाइव पार्टी की, उसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ करके। उसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी बड़ी लाइव शो जैसे कि पॉप कॉन्सर्ट या तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? तो आज भी मेरे पास बहुत सी अपडेट है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली हिप हॉप अपडेट के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इमो बंटा के बारे में। तो इमो बंटा का जो सॉन्ग था कुड़ी, उसने 3 मिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट कर चुका है यूट्यूब पे। और मैं ये सोच रहा था कि इमो बंटा के सॉन्ग पे इतने कम समय में इतने सारे व्यूज कैसे क्या आ गए। तो मुझे यूट्यूब पे एक एड दिखी इमो बंटा का जो सॉन्ग था कुड़ी का, उसका तो ये इमो बंटा ने एड्स नहीं लगाए हैं, जो भी इनका रिकॉर्ड लेबल था उन्होंने एड्स लगाए थे ताकि व्यूज और ज्यादा आए इसीलिए। और इमो बंटा ने स्टोरी भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे। तो इमो बंटा ने इसी सॉन्ग के बारे में कुछ बात की है, तो पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लो इमो बंटा की। फुल प्यार नमो सुयो शाउट आउट वंस अगेन, मैं बता रहा हूं सिक प्रोडक्शन, सिक रिकॉर्ड लेबल और पूरी टीम ने खतरनाक काम किया। और एज एन आर्टिस्ट दिल से मजा आना चाहिए काम करने को और अपने को फुल मजा आएगा। जैसे कि आपको पता ही है पुनीत सुपरस्टार के जो दो अकाउंट थे इंस्टाग्राम पे, वो दोनों भी बैन हो चुके थे, पर जो मेन वाला अकाउंट है वो अभी वापस आ चुका है। और जो पुनीत सुपरस्टार का बैकअप अकाउंट था वो अभी उड़ चुका है, मतलब बैन करवा दिया है इस भाई लोगों ने, जैसे आप इन पे देख रहे हो इस भाई ने और इस भाई ने। तो अब अपन बात करते हैं एमस्टन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है एमस्टन के चैनल से आफ्टर लाइव पार्टी वीडियो आउट होने वाला है, और ये जो प्रीमियर सब्सक्रिप्शन जो खरीदेगा उसको ये लाइव वीडियो दिखेगा, मतलब जो एमस्टन ने ये वीडियो डाला है वो जो खरीदेगा प्रीमियर सब्सक्रिप्शन उसको ये वीडियो दिखेगा। वो जन ये रहे थे कि हमें कैसे देखने को मिलेगा, तो आप टेंशन मत लो, मैं सारे वीडियोस क्लिप मेरे चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। आप बस अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और बहुत जन ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई एमस्टा ने जो स्टोरी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे आफ्टर लाइव पार्टी की, उसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ करके। उसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी बड़ी लाइव शो जैसे कि पॉप कॉन्सर्ट या तो रैप कॉन्सर्ट होते हैं, जो प्रीमियर के बाद जो दिखाता है एक छोटी सी क्लिप जहां पे सिर्फ मेन परफॉर्मेंस करने वाले या तो जो गेस्ट लोग होते हैं उनकी जो एंट्रीज होती है और शो के छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर लाइव पार्टी कॉन्सर्ट बोलते हैं। एमस्टन के जो वीडियो आने वाला है अपकमिंग, इस वीडियो में आपको वही सब चीजें देखने को मिलने वाली है। और भाई ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट अपडेट है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार भाई का एक सॉन्ग आउट हो चुका है इल्यूमिनाटी, उसकी एक छोटी सी क्लिप देख लो आप लोग। करती हो तुम झोल हम ना होते डामाडोल, बेबी जो मांगो रेडी सेडी कर दो को, गाड़ी दो से टोपी रखी क्योंकि गाड़ी रंग थी बातें इतनी ज्यादा। फुल वीडियो देखना रहेगा तो जाके जरूर चेक करना। तो नेक्स्ट अपडेट है हनी सिंह की तरफ से। तो हनी सिंह पाजी का भी एक सॉन्ग आउट हो चुका है, तो उसकी भी एक छोटी सी क्लिप देख लो आप लोग। वैसे ता दुनिया दे विच आशिकां दी तोड़ना, सो सैवेज सैवेज। अगर फुल वीडियो देखना रहेगा तो आप जरूर जाके देख लेना। नेक्स्ट अपडेट है करण ओजला की तरफ से। तो करण ओजला भाई का 2 दिन पहले एक सॉन्ग आया था और वहाँ पे 1.2 करोड़ व्यूज आए थे, यानी कि 12 मिलियन व्यूज थे। तो वो सॉन्ग अभी तक ट्रेंडिंग पे नहीं आया है, जैसे कि एमस्टन और इमो बंटा का जो सॉन्ग आता है वो 6 या 7 लाख व्यूज पे ही ट्रेंड पे आ जाता है। लेकिन करण ओजला भाई की क्या दुश्मनी है यूट्यूब के साथ पता नहीं, भाई का सॉन्ग अभी तक ट्रेंडिंग पे नहीं आया। यार यहाँ तक आई गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस आज के लिए इतना ही अपडेट थी, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।